हेलो बच्चों, आज हम जो अगली कविता बहुत हुआ का जो गायन करेंगे, तो आप भी साथ साथ में इस कविता का जो है गायन करना। तो ये जो कविता है इसका शीर्षक है बहुत हुआ। अब इसका शीर्षक ऐसा क्यों दिया गया हुआ है? क्योंकि इसमें क्या है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश के कारण क्या हो रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और जब बारिश होती है तो क्या होता है, आप बाहर नहीं जा पाते हैं, चारों तरफ पानी पानी होता है और आप नहीं बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाते। तो आपको क्या लगता है कि अब आप घर में फंस गए हैं। तो ये इसी के आधार पर ये कविता है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं जो है बादल भैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब बरसना जो है बंद करें। चलो तो अब इसका कविता का जो गायन है वो शुरू करते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, बहुत हुआ बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ बहुत हुआ, अरे बादल भैया बहुत हुआ बहुत हुआ। तो ये हमारा एक पहला स्टंजा था। अब सेकंड स्टंजा, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, अरे बादल भैया बहुत हुआ बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, बहुत हुआ बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ। तो ये हमारी कविता है, आप इसका 2 से 3 बार गायन कर सकते हैं। तो इसमें क्या कवि कह रहा है, पहली लाइनों में हम इसका अर्थ को भी साथ में कर लेते हैं। बादल भैया बहुत हो चुका, अब हर जगह पानी पानी से क्या हो रहा है, जब पानी मिट्टी पे गिरता है तो कीचड़ हो जाता है, हर जगह जो है पैरों के साथ मड लगता है, कीचड़ हो जाता है, और क्या होता है, बच्चे जो है बाहर नहीं खेल पाते, कोई किसी का भी घर से बाहर नहीं निकल पाते। अब इसके कारण क्या होता है, सभी को घर में ही रहना पड़ता है, घर में फंस जाते हैं, और सारा घर दिन रात चूहा, जहाँ पे चूहा का मतलब है जो है टपकना, कि पानी कभी यहां से टपक रहा है कभी वहां से टपक रहा है। तो यहां पर जो है घर में भी चारों तरफ क्या हो गया है, पानी पानी हो गया है। जब बारिश होती है तो घर के चारों तरफ क्या होता है, पानी पानी हो जाता है। तो वैसे ही तो यहां पर जो है कविता में बताया गया है कि चारों तरफ ज्यादा बारिश होने के कारण क्या हो गया है, पानी ही पानी हो गया है। अब इसके बाद, अब बच्चे क्या हैं, आप लोगों को बाहर खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर बारिश में आप कहाँ जा सकते हो खेलने के लिए, घर के अंदर ही खेलना पड़ेगा। तो घर के अंदर अकेले बैठे आपको जब खेलना पड़ रहा है, तो आप जब अकेले खेल रहे हो तो आपको क्या होता है, आप अकेले तो नहीं खेल सकते, आपको क्या होती है, आप बोर हो जाते हो, आपका मन नहीं लगता, आप क्या होते हैं, जैसे कि आप कहीं फंस गए हो, जो पिंजरे में मौन सुआ। अब आप कैसे रहते हो, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हो, जो पिंजरे में मौन सुआ। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे पिंजरे में तोता बंद होता है तो उसे क्या होता है, वो चुपचाप बैठा रहता है। तो आपको भी क्या लगता है, वैसे ही लगता है कि आप भी घर के अंदर
फंस गए हो। अब जो है बच्चे क्या हैं, सूरज से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि धूप आ जाए, ताकि धूप आए तो क्या कर सकें, वो खेल सकें बाहर। ताल नदी सड़कों से जाए, ताल का यहाँ मतलब है तालाब से, ठीक है। जो तालाब नदी जो होती हैं, क्योंकि सड़कों पर जब लगातार पानी चलता है तो क्या बन जाता है, जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ तालाब बन जाता है, और जहाँ पानी बह रहा होता है सड़कों पर तो वो क्या लगता है कि ये नदी बन गई है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सूरज दादा आए और धूप जो है खिलाएं, धूप खिल जाएगी तो क्या होगा उससे, जो हमारे जो नदियों पर जो सड़कों पर जो नदियां बनी हुई हैं, तालाब बने हुए हैं, वो भी फिर वहां से चले जाएंगे। जब अब बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि सड़कों के ऊपर बहुत सारा पानी बहता है, कई जगह पानी खड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि तालाब बन गए हैं। तो वो जब सूरज निकलता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सड़कों से पानी जो है का बहना जो बंद हो जाता है, और जो सड़क साइड में पानी रुका होता है वो भी सूख जाता है। तो उसके लिए क्या कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग भी सभी ऐसी दुआ करो कि बारिश चली जाए और सूरज जो है अपनी धूप खिलाए, तो और हम लोग जो है बच्चे लोग जो है वो खेल सकें। तो ये हमारी आपकी कविता है, तो आपने इस कविता का जो है गायन कर लेना है, और इसकी जो होम असाइनमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। थैंक यू बच्चों।